हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ नोमेनक्लेचर एंड आईयूपैक सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। तो देखें, हिस्ट्री ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है, मतलब नोमेनक्लेचर पहले कैसे किया जाता था, साथ में हम कॉमन सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे और हमारे पास आईयूपैक सिस्टम क्या होता है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जनरल रूल्स हैं उन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे क्या रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। तो ये रूल्स अगर आपको याद हो गए तो आपको कंप्लीट नोमेनक्लेचर जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये मेन रूल्स हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन सिस्टम को। द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड असाइन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्लेस और पर्सन हु डिस्कवर्ड। तो पहले जो होता था पास्ट के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेम होते थे वो दिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब कहाँ से वो मिले हैं हमें, और प्लेस उस जगह का नाम या फिर उस पर्सन का नाम जिसने वो डिस्कवर किया उसके बेसिस पर उसका नाम जो है वो रखा जाता था। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट के नाम थे वही यहाँ पर कंपाउंड्स के नाम होने लगे, और बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स जब बढ़ गए तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम्स है ये बढ़ने लगी, क्योंकि हम हर कंपाउंड का नाम उसकी प्लेस ओरिजिन वगैरह से नहीं रख सकते थे, ज़्यादा कंपाउंड्स का नाम हम नहीं दे सकते थे इस तरीके से। विद पैसेज ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड एंड डिस्कवर्ड, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू असाइन कॉमन आर ट्राइबल नेम्स टू दीज कंपाउंड्स। तो कॉमन या ट्राइबल नेम जो है वो आगे डिफ़िकल्ट होने लगे देना, क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होने लगे, और मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो सभी को हम कॉमन नेम्स नहीं दे सकते, ओरिजिन के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से या फिर किसी पर्सन के हिसाब से, उसके नाम के हिसाब से हम इनको वो नाम नहीं दे पा रहे थे। तो बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही थी, बहुत ही बड़ा चैलेंज हमें मिल रहा था कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की जाए, उनके नाम्स कैसे रखे जाएँ। तो पहले जो हमारे पास था वो सारा सिस्टम हमारे पास कॉमन सिस्टम कहलाता है, जिसके अंदर पहले कंपाउंड्स के नाम दिए गए और वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन वगैरह के पे जो है वो उनके नाम दिए गए थे। उसके बाद आईयूपैक सिस्टम जो है ये हमारे पास आया वजूद में, और इन 1958 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मेड अ सिस्टमेटिक मेथड फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ सच ए वे दैट ईच कंपाउंड कैन बी गिवन सिंगल स्पेसिफिक नेम। तो 1958 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम आईयूपैक कहते हैं, ये आईयूपैक एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने क्या किया, एक सिस्टमेटिक मेथड निकाला, एक तरीका निकाला, पूरा एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नाम रख सकते हैं, और वो नाम जो है वो इस तरह से होंगे कि हर एक कंपाउंड का नाम क्या होगा, सिंगल स्पेसिफिक नेम होगा, हर कंपाउंड का नाम दूसरे कंपाउंड से डिफरेंट होगा और हमें उनमें डिफरेंशिएट इजीली हम कर पाएंगे। और ये जो सिस्टम है इसके अंदर नाम जो है वो दुनिया का कोई भी बच्चा जो है वो ये नाम दे सकता है सिर्फ उन रूल्स को पढ़ते हुए। तो ये हमारे पास जो है आईयूपैक सिस्टम की पावर है, ये उनकी एडवांटेज है कि उन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया और ये सिस्टम बनाने में ये कामयाब हो गए। आईयूपैक प्रोवाइडेड रूल्स फॉर ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटम टाइप्स एंड पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आईयूपैक सिस्टम ने क्या किया, रूल्स बनाए हैं, इन सिस्टम के अंदर ज़्यादातर रूल्स आते हैं और वो रूल्स जो है वो हमें बताते हैं कि किस तरह से नेमिंग की जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और वो नेमिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटम्स, उनके अंदर कौन कौन से उस कंपाउंड के अंदर एटम मौजूद हैं, उनके अंदर किस टाइप के जो है वो फंक्शनल ग्रुप हैं, या पोजीशन क्या है फंक्शनल ग्रुप की, बीच के अंदर हैं या फिर लास्ट के अंदर हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं या फिर बीच के अंदर होते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी की नेमिंग हम आईयूपैक सिस्टम से कर सकते हैं। लेकिन कॉमन सिस्टम की अगर आप बात करें तो कॉमन सिस्टम से हम कंप्लीट नेमिंग नहीं कर पा रहे थे। कॉमन सिस्टम के अंदर आज भी आप अगर देखें तो आपको सिर्फ कुछ ही कॉमन कंपाउंड्स की नेमिंग मिलेगी, ज़्यादा कंपाउंड्स की नेमिंग आप कॉमन सिस्टम से नहीं कर सकते। जो डिफ़िकल्ट कंपाउंड्स हैं आगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उनकी नेमिंग आप कॉमन सिस्टम के अंदर नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इनको अब डिस्कस करते हैं। जनरल रूल्स फॉर आईयूपैक सिस्टम, जो आईयूपैक सिस्टम ने जनरल रूल्स बनाए इनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये जो है यहाँ पर एक लाइन है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये रूल आपने याद रखना है। सबसे पहले जो है आईयूपैक ने कहा कि आपने प्रीफिक्स यूज़ करना है, उसके बाद आपने सफिक्स यूज़ करना, वर्ड रूट यूज़ करना है, और लास्ट में आपने सफिक्स यूज़ करना है। तो अब ये तीनों क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होता है, तो प्रीफिक्स का मतलब है सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लगाना है। तो यहाँ पर प्रीफिक्स का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, प्रीफिक्स में आपने सब्स्टिट्यूएंट का नेम यहाँ पर पहले लगाना है।
तो जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो पहले सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये वो ब्रांचेज हैं जो किसी भी मेन चेन से बाहर निकलती हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या है, मेन चेन है कार्बन की। अब इसके अंदर से यहाँ पर ये दो कार्बन जो है ये चेन से बाहर आ रहे हैं, तो ये जो बाहर कार्बन आ रहे हैं इन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो ये ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, ये इनका नाम अपने सबसे पहले लिखना है, उससे भी उसके बाद में आपको ये क्या लिखना है, साइक्लो या बायसाइक्लो। अगर वो कंपाउंड जो है वो साइक्लो है, साइकिल वाला कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे कि साइक्लो अल्केन या फिर साइक्लो अल्कीन, तो आपने पहले वो साइक्लो का वर्ड या बायसाइक्लो का वर्ड जो आता है वो लगाना है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद ये साइक्लो या बायसाइक्लो, उसके बाद ये प्रीफिक्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। उसके बाद प्रीफिक्स के साथ आपने वर्ड की रूट लगानी है। वर्ड रूट क्या है, जो हमने यूज़ किए थे पिछले वीडियो में, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारे वर्ड रूट कहलाते हैं। ये कार्बन एटम की नंबरिंग होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमारे पास 1 है तो उसे हम कहते हैं मेथ, और 2 है तो उसे हम कहते हैं एथ, और 3 है तो उसे कहते हैं प्रॉप। तो ये हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर हमारे चैनल पे देख लें, इसकी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर कर देगी ये सारी चीज़ें। तो वर्ड रूट आपने यहाँ पर लगाना है, और वर्ड रूट क्या होगा, यहाँ पर मेथ, एथ, प्रोप, और जितने भी कार्बन एटम्स हो उस कंपाउंड के अंदर वो आपने यहाँ पर पुट करना है, और मेन चेन को आपने याद रखना है। क्योंकि यहाँ पर सपोज ये मेन चेन है हमारे पास, अब मेन चेन के अंदर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मेन चेन के अंदर 7 कार्बन है, तो इसे हम कहेंगे हेप्ट। तो ये हेप्ट जो है वो 7 को हमें यहाँ पर जाहिर कर रहा है, इसको हम हेप्ट लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास जो है वो वर्ड रूट आ जाएगी, जिसके अंदर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद सफिक्स आपने लास्ट में लगाना है। मेथ, एथ के साथ आपने क्या लगाना है, टाइप ऑफ बॉन्ड, जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो आपने क्या, आप क्या लगाएंगे, एन, और अगर डबल बॉन्ड हो तो आप उसके लिए इन यूज़ करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड हो किसी दो कार्बन के बीच में तो उसे उसके लिए आप वाइन यूज़ करेंगे। तो ये 2 3 4 हमारे पास जो है वो, ये भी हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं, ये हमारे पास क्या है, सफिक्स हैं, जो कि आप इस वर्ड रूट के साथ लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारे पास मेथ होगा तो हम वहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, और ये बन जाएगा मीथेन, तो ये मीथेन गैस यहाँ पर बन जाएगी। उसके बाद एथ है तो इथेन, और प्रोप है तो प्रोपेन। तो यहाँ पर इस तरह से कंबाइन करते हुए वर्ड रूट को सफिक्स के साथ कंबाइन करके हम ये इनके नाम बनाएंगे। लास्ट में इस बॉन्ड, इस एन वाइन के उसके बाद ये आपको, या फिर फंक्शनल ग्रुप कभी कभी होता है तो आपके पास ये एन वाइन नहीं लगते, उसके साथ आपके पास क्या लगता है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगता है। जैसे कि अल्कोहल का होता है, अल्कोहल अगर हमारे पास हो तो उसका सफिक्स क्या होता है, ओल, तो आपने अल्केनोल, ब्यूटेनोल ऐसे लगाना है। ठीक है, तो ये आगे हम सारे की सारी चीज़ें सीखेंगे। अगर एल्डिहाइड होता है फंक्शनल ग्रुप तो उसके लिए हम अल यूज़ करते हैं, तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप का भी सफिक्स होता है, वो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जनरल रूल्स को डिस्कस कर लें, कौन कौन से हमारे पास जनरल रूल्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे ओवरऑल हमारी नेमिंग के अंदर। तो आईयूपैक की नेमिंग क्रेचर जब भी आप कर रहे हैं सिर्फ आईयूपैक सिस्टम की, तो यहाँ पर आपके पास ये रूल्स काम आएंगे आपको। सबसे पहला रूल है सिलेक्ट सिलेक्ट लॉन्गेस्ट अनब्रोकन कार्बन चेन, जिसे पेरेंट चेन कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने सबसे बड़ी जो चेन है वो सिलेक्ट करनी है हमारे इस कंपाउंड के अंदर। किसी भी कंपाउंड की आपको नेमिंग लिखनी है तो उसका सबसे पहले उस कंपाउंड को देखें, उसके अंदर सबसे बड़ी चेन आपको फाइंड करें। तो अगर ये हमारे पास कंपाउंड है तो हम क्या करें, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एक एंड से स्टार्ट करें और कार्बन गिनना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाली चेन यहाँ से बन रही है, जबकि 1 2 3 4 5, ये जो चेन है ये 5 कार्बन वाली बन रही है। 1 2 3 4, ये जो चेन है ये 4 कार्बन वाली बन रही है, और ये सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं इसमें। और अगर ये हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 कार्बन वाली चेन बन रही है। तो सबसे लंबी चेन हमें यही दिखाई दे रही है, 7 कार्बन वाली, जिसके अंदर ये दो है ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट रूल आपने अप्लाई कर लिया कि यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट कर ली। दूसरा रूल है नंबर द कार्बन एटम्स स्टार्ट फ्रॉम द एंड वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर। फिर आपने नंबर लिखने हैं हर कार्बन पे, जो सिर्फ आपने मेन चेन के अंदर जो भी कार्बन आपने लगाए हैं, अब मेन चेन है ये, तो इसके हर कार्बन को आप नंबर लिख दें एक एक। तो यहाँ पे नंबर गिने 1 2 3 4 5 6 7, या फिर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से आपने कार्बन नंबर की हर कार्बन की नंबरिंग कर देनी है, हर कार्बन को एक नंबर दे देना है। तो
अब यहाँ पर देखें एक बात देखिए, स्टार्ट फ्रॉम एंड वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज़ नियरर। अब आपको यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे या यहाँ से, तो इसके लिए आईयूपीएसी ने एक रूल दिया है कि आपको वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो करीब हो रहा हो। तो आप देखें यहाँ से हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये चौथे नंबर पर हमारे पास क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। तो चौथे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट हमें आ रहा है और पाँचवें नंबर पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यहाँ से देखें तो 1, 2, 3, 4, 3 पे यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पर 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो देखें 3 पे यहाँ पर करीब है, यहाँ पर 4 पे पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 4 पे आ रहा था, यहाँ से पहला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है। तो इसका मतलब है ये वाली नंबरिंग सही होगी, क्योंकि जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, नियरर हो, वहाँ से हमने नंबरिंग करनी। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, और ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स और ये सेवन, इस तरह से आपने नंबरिंग करनी। उसके बाद हमारे पास रूल है, आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट एंड राइट नेम्स एज मिथाइल, इथाइल, मिथॉक्सी, क्लोरो, ब्रोमो इन केस ऑफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, टू यूज़ प्रीफिक्स डाइट्राइड टेट्रा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि पहले नाम तो हमने सब्स्टिट्यूएंट का लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए पहले सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट है एक कार्बन वाला, इसे हम कहते हैं मिथाइल। ये भी जो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इसे हम कहते हैं मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम होता है, अगर यहाँ पर क्लोरीन होता तो हम इसे सब्स्टिट्यूएंट को कहते क्लोरो, अगर यहाँ पर OH होता तो हम इसे कहते हाइड्रोक्सी। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम आपने इस तरह से लिखना है, अगर दो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल लिखेंगे, दो कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो आप इथाइल लिखेंगे, या फिर हमारे पास मिथाइल के साथ ऑक्सीजन है तो मिथॉक्सी, क्लोरो क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो ब्रोमो। तो इस तरह से ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम इस तरह से आपके लिखने हैं। आगे हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन केस ऑफ मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपके पास दो, देखें यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और दोनों सेम हैं, तो अगर एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आपने क्या करना है, डाई ट्राई टेट्रा, ये वाले जो प्रीफिक्स हैं ये यूज़ करने हैं उनके नंबर बताने के लिए। यहाँ पर दो मिथाइल हैं तो हम ये इनके लिए क्या यूज़ करेंगे, डाई मिथाइल, क्योंकि सेम है, मिथाइल हैं दोनों, और दोनों क्या हैं, डिफरेंट नंबर पे हैं लेकिन क्या हैं, दोनों सेम ग्रुप हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इनके लिए डाई यूज़ करेंगे और डाई मिथाइल हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, 3, 4 डाई मिथाइल, इनकी नंबर भी हमें बताना है। राइट नंबर ऑफ कार्बन एट विच दे आर अटैच, हमें वो कार्बन का नंबर भी लिखना है जिस पर ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। जैसे कि 3 पे है तो हम क्या करेंगे, 3 मिथाइल, 4 पे यहाँ पर मिथाइल है तो हम कहेंगे 4 मिथाइल, दोनों मिथाइल हैं तो 3, 4 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं, 3, 4 डाई मिथाइल, इनका नाम हम सब्स्टिट्यूएंट का इस तरह से लिखेंगे। तो उसके बाद हमें ये तो हमें लिखना ही है, क्योंकि इसका नाम हमें हेप्टेन लिखना है, पूरी चेन का लास्ट में लिखना है। सफिक्स आपने कैसे लगाना है, यूज सफिक्स ए फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो आप यूज़ करें, वो आप लिखें। जैसे कि अमाइन है, अमाइन का सबसे जो हमारे पास नेम के अंदर लास्ट में आता है सफिक्स, वो क्या आता है, अमाइन। तो आप अगर हमारे पास क्या है, हेप्टेन है, तो हम लिखें यहाँ पर अगर अमाइन लगा होता हम कहते हैं हेप्टेन अमाइन, यहाँ पर ओल है तो हम क्या कहते हैं, हेप्टेनोल, अगर OH यहाँ पर लगा होता तो ये क्या है, सफिक्स, हम ओल लास्ट में यहाँ पर लगा देंगे, अल जो है यहाँ पर ये लास्ट में आएगा, कीटोन का क्या आएगा, ऑन। तो यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए डिफरेंट सफिक्स हैं और वो हमने लास्ट के अंदर यूज़ करने हैं, और ये हम आगे सारे जो है ये हम सीखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं आपकी चेन के अंदर, इस एक चेन के अंदर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं, मतलब ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो उसकी प्रायोरिटी ये है कि सबसे ज़्यादा आप फर्स्ट जो समझेंगे वो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड को प्रायोरिटी देंगे, मतलब ये सबसे बड़ा है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद एल्डिहाइड है, उसके बाद कीटोन है, उसके बाद अल्कोहल है, उसके बाद अमाइन है, उसके बाद ईथर है, उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो सबसे सब्स्टिट्यूएंट है वो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्रायोरिटी की लिस्ट आपने याद रखनी है, ये आगे चल के हमें काम आएगी, और आगे हम डिफरेंट हर एक सब्स्टिट्यूएंट के लिए नेमिंग करना सीखेंगे। तो ये अगर आप इनको पता नहीं है आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स, तो ये आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी उनके अंदर आप बहुत ही ईजिली इनको सॉल्व कर पाएंगे, ईजिली इनको समझ पाएंगे इन सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे, उसमें हम नोमेनक्लेचर को स्टार्ट कर देंगे और अल्केन की नोमेनक्लेचर पहले हम करेंगे। तो अल्केन की नोमेनक्लेचर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।